सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 12, राइट? सो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक आपको ये दिया हुआ था, नेटवर्क में तुम तो जरूर आधे नींद में होती हो, तुम हमेशा पूरे नींद में होती हो। देखिए, हमने इसका लोकस लिखने को दिया था आपको, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू आयोटा, और ये हमने एंगल दिया था इक्वल्स टू 2π/3, ये हमने दिया था आपको। और इसका मुझे क्या लिखना था, लोकस लिखना था, वी नीड टू राइट द लोकस ऑफ दिस वन लोकस, ठीक है? हमने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू ड्रॉ आर्गंड प्लेन फर्स्ट, इसलिए आप क्या करोगे, एक आर्गंड प्लेन ड्रॉ कर लो। हमने ड्रॉ कर दिया भाई, हमने क्या किया, आर्गंड प्लेन भी ड्रॉ कर दिया। आर्गंड प्लेन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कहीं 2 आयोटा मिलेगा और यहाँ पर कहीं मुझे 4 आयोटा मिलेगा, ठीक है, 4 आयोटा। तो ये वैल्यू मुझे 2 आयोटा मिला और ये 4 आयोटा मिला। अब ध्यान ये होता है कि ये इधर उठेगा या इधर ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक ट्रायंगुलर शेप होता है, सर्कुलर आर्क बनता था, वो सर्कुलर आर्क इस साइड से पास करेगा या इस साइड से पास करेगा। सो उसके लिए क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि जेड वन और जेड टू कहीं रहता है तो ये इस तरह से ज्वाइन करता है, इस तरह से, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यहाँ का भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो जेड मेरा समथिंग इधर होगा, जेड क्या होगा गाइज, कुछ इधर होगा, जेड कुछ इधर होगा, तो मैं जस्ट बीच में इसके जेड को ले रहा हूं और ऑफ कोर्स बीच में ले लिया। सो ये मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से, यहाँ पर ये मुझे जेड मिल गया, तो यही एंगल मेरा कितना मिलेगा, 2π/3 मिलेगा, एंगल मेरा कितना मिलेगा, 2π/3। वी सर्कुलर आर्क बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इन सर्कल क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि एक सर्कल क्लोज करना पड़ेगा, सर्कल जो होगा मेरा वो कैसा होगा, सर्कल मेरा इधर से पास करेगा, यानी कि ऐसे कर लेता हूं, मैं सर्कल बना ही देता हूं यहां, ठीक है? मान लीजिए इस तरह का कुछ सर्कल होगा, यहाँ पर जेड लाई किया है आपका, जेड यहाँ पे लाई किया हुआ है। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसका लोकस लिखना है, लोकस लिखने के लिए इसका मुझे सेंटर पता होना चाहिए, इस सर्कल का मुझे सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि अभी ये पूरा जैसा, हाँ अब सही। इसका मैं क्या करूंगा, सेंटर बनाऊंगा, सेंटर मेरा क्या होगा, कुछ इधर होगा, क्यों, पहले तो मैं बोलूंगा कि इसके जस्ट मिड पॉइंट पर मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए और सेंटर कुछ इधर होगा, तो मैं देखिए क्या कर लूंगा, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूं। अच्छा, ये तो मेरा ऐसा हो गया, यहाँ पर ये मुझे सर्कमफेरेंस पर मिलना चाहिए था, ये मुझे कहाँ मिलना चाहिए था, सर्कमफेरेंस पर मिलना चाहिए था, रुक, हाँ कर दिया है किसी ने सर, वेटिंग रूम में, ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे ये सरकमफेरेंस पर मिलना चाहिए था, ये तो अब थोड़ा सा गलत जैसा फिगर हो जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या मान लूंगा, यहाँ इसको 2 आयोटा मान लेता हूं, इसको 4 आयोटा मान लेता हूं, यहां पर कहीं 3 आयोटा मिलेगा। और इससे मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया था ये चीज कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा तो माइनर सेगमेंट से बन रहा होगा, माइनर सेक्टर होगा। ठीक, तो मुझे इधर पे कहीं सेंटर मिलेगा इसका, इधर पे क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। तो सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये मेरा सेंटर मिला, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इधर जो एंगल मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मैं देखना चाहता हूं। तो देखिए, ये वाला एंगल आपको मिला है 2π/3, ये एंगल 2π/3। तब जानते हो कि अगर इस वाले को अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा π/3। अगर ये हो जाएगा π/3 तो इसके सेंटर पे 2π/3 का एंगल बना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेता हूं इस तरह से, तो ये वाला एंगल सिर्फ मुझे π/3 मिलेगा। ये वाला एंगल कितना मिलेगा, π/3। और आप देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां मैंने 2 यूनिट मान लिया, ये वाला यूनिट 1 यूनिट होगा। और ये तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट, 3 आयोटा फिक्स ही है, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका नाम ओ रखें, इसका नाम ए रखें और इसका नाम बी रखे। तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी या ओ बी ए, ठीक है। देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए में मैं कह सकता हूं कि टेन ऑफ थीटा, यानी कि ये वाला एंगल, तो हाँ लिख लेते हैं टेन ऑफ π/3। टेन ऑफ π/3 अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यानी ये π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/6। तो P/B, इसका मतलब चलो मैं क्या कर लेता हूँ, π/6 वाला एंगल ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये एंगल π/3 है, तो ये π/6 है, तो ये π/6 है, तो tan ऑफ π/6, tan ऑफ π/6 यानी tan थीटा इक्वल टू P/B, P इज OB, P क्या होगा, OB डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा OA। ठीक है, OA की वैल्यू तो 1 मिलेगा और ये वैल्यू मुझे मिल गया 1/√3 इक्वल्स टू कितना, OB इक्वल्स टू 1। OB ही तो x कोऑर्डिनेट होगा, तो x की वैल्यू मैं बोल दूंगा कि ये 1/√3 हुआ। तो मेरा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज कितना हो जाएगा, 1/√3 आयोटा, 1/√3 प्लस √3 की 3 आयोटा, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे 3 मिलेगा। यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना मिला, दोनों का मिड पॉइंट 3 मिलेगा, तो 3 आयोटा। ठीक है, तो मुझे इसका इक्वेशन कैसा मिलेगा, लोकस ऑफ जेड ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस कितना मिलेगा, 1/√3 प्लस 3 आयोटा का मॉड, एंड दिस इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस कितना मिलेगा, तो यू कैन राइट द रेडियस, रेडियस जो होगा वो मुझे मिलेगा √ ये 1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3
ये वन प्लस वन बाई थ्री, ये फोर बाई थ्री यानी टू बाई रूट अंडर थ्री मिल जाएगा, टू बाई रूट अंडर थ्री। और साथ ही साथ आप बोलोगे कि यहाँ पर अब जो जेड होगा वो वाई एक्सिस के यानी इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड दिस इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आई कि कैसे करेंगे हम लोग इसको? ठीक है, तो दिस विल बी द लोकस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द जेई। देखिए जेई में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दोनों मैं आपको हिंट करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन डील करते हैं। एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो हम चाहते हैं कि मेरे पास कोई एक जेड है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, दिस इज मॉड जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, इसने रियल एक्सिस के साथ उतना एंगल बनाया होगा। सो मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये मेरा एक आर्गंड प्लेन है, यहां पर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिला हुआ था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने रियल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाया हुआ था। इसका मतलब कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को लिख सकता हूं कि ये जेड जो रहा होगा वो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा, राइट? अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसी ग्रीन लाइन को रोटेट कर देना चाहता हूं, ग्रीन लाइन को रोटेट करके ब्लू लाइन ऑब्टेन करना चाहता हूं, यानी कि मेरा जो जेड यहां पर जो था वो यहां आ गया, जेड यहां से यहां आ गया, मेरा जो जेड यहां पर था वो यहां पर आ गया, ठीक है। और देखिए पहले ये ग्रीन लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, यानी रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था वो एंगल था थीटा, थीटा। और मैंने क्या किया, इसको अल्फा एंगल से आगे रोटेट कर दिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अल्फा से आगे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये रोटेशन गाइस दो तरीके से हो सकता था, या तो इस रोटेशन के बाद मैं जो जेड का मैग्नीट्यूड है, जेड का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है जेड के साथ, वो चेंज कर दूं या चेंज नहीं कर दूं। तो मैं पहले केस में चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जेड, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं। तो इन द फर्स्ट केस में मैं ये रखना चाहता हूं, बदलना पड़ेगा कि ये जेड था, रोटेशन करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो जेड डैश हो जाना चाहिए था। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मुझे मॉड जेड की जो वैल्यू मिलेगी वही मॉड जेड डैश की मिलेगी, यानी कि वी आर गोइंग टू कीप द मैग्नीट्यूड फिक्स, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी वैल्यू को मैं फिक्स रखना चाहता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि गाइस अगर मुझे ये जेड डैश मिले,
जेडेस की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कहता हूं कि जेडेस की जो वैल्यू, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ जेडेस इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या होता था, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, यहां पर इसने एक्स एक्सिस के साथ जो टोटल एंगल बनाया हुआ है, अब वो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। नाउ यू कैन राइट कि दिस वन इज मॉड जेड डैश ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। आप जानते हो ए टू द पावर एम प्लस एन रहे तो हम ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन भी लिख सकते हैं, आयोटा अल्फा यू कैन राइट। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला है कि मैं मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा हूं, सो इस मॉड जेड डैश की जो वैल्यू होगी वो अगेन मॉड जेड के बराबर होगी, सो आई विल राइट कि ये मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा मिल गया मुझे। ठीक है, अब देखिए इतने की वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ है, इस मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा को तो मैंने जेड की वैल्यू के बराबर माना हुआ है, ये किसके बराबर है, जेड के बराबर है, देखिए यहां पर जेड के बराबर, सो आई विल राइट कि मुझे जेड डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। इसको रोटेटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ रोटेशन बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन बोलेंगे। इसका मतलब कि मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो आई विल राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू जिस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी जितने एंगल से मैं रोटेट करना चाहता हूं उसी के ई टू द पावर आयोटा दैट एंगल के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ई टू द पावर आयोटा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स से कि मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है और मैं उसको पाई बाई टू एंगल के साथ रोटेट करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन के बाद जो है वो जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात सभी को समझ में आई, राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स सो दैट विल मूव फर्दर। ठीक है, आद्या, आनंद, दिव्या, शिवम, दिव्या जगी हो क्या अभी तक, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मे बी मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए, सो मैं सेकेंड केस में चाहता हूं, सेकेंड केस कि मेरा केस टू जो मिलेगा, केस टू इसमें क्या हो जाए, मॉड ऑफ जेड जो है वो बराबर नहीं हो सकता है मॉड ऑफ जेड डैश, यानी कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ था और आफ्टर रोटेशन मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज जैसा दिख भी रहा है, यहां पर इनिशियली मुझे दिया गया था जेड और ये आफ्टर रोटेशन ये जेड डैश मिल गया, इसने इनिशियली एंगल जो बनाया था एक्स एक्सिस के यानी रियल एक्सिस के साथ वो थीटा, और यहां पर भी मैं अल्फा एंगल के साथ ही रोटेट कर रहा हूं, एंगल के साथ, अल्फा एंगल के साथ। ठीक है, तो अभी भी मैं जेड को बोलूंगा कि मेरा जो जेड होगा गाइस वो मॉड जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा ही रहा होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन के बाद मुझे जेड डैश मिला है, तो जेड डैश की वैल्यू जो है वो मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा ये मुझे चाहिए, तो जेड डैश की वैल्यू के लिए मैं कह सकता हूं कि दिस इक्वल्स टू, देखिए यहां पर उसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड डैश
ई टू द पावर आयोटा, यानी कि थीटा की वैल्यू टोटल एंगल कितना ये रियल एक्सिस के साथ बना रहा है, अगेन ये थीटा प्लस अल्फा ही बना रहा होगा, कितना बना रहा होगा थीटा प्लस अल्फा। मैं इसको लिखूंगा ये मॉड ऑफ जेड डैश हो जाएगा इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा तो होगा ही, ये ई टू द पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा। अभी मैं इसको इसको जेड के साथ रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा हूं। सो देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर मैंने मॉड जेड डैश तो लिखा हुआ ही है, देखिए मैं मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और मॉड जेड से डिवाइड कर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दू तो, राइट। एंड दिस वन इज ई टू द पावर आयोटा थीटा इनटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर तो आपने मॉड जेड डैश लिखा हुआ ही है, मॉड जेड डैश तो लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला देखिए मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा को आप जेड लिख सकते हो क्या, डिवाइडेड बाई नीचे वाला मॉड जेड अपने आप ऐसे ही बचा रह गया इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा अल्फा। क्या ये बात सभी को हजम हो रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कैसे आया? राइट एवरीवन, राइट यस और नो? रिया को एडमिट करना चाहिए, आधा घंटा बाद क्लास आ रही है। चलिए ये समझ में आ गया। अब मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइएगा कि अगर मैंने कोई पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कोई पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है इस पॉइंट का नाम P है, पॉइंट का नाम क्या है P है और ये O, अगर मैं इसको एक OP वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो आप ये बताइए, तो अगर मैं OP वेक्टर ले लूं और इसी वेक्टर से मैं डिवाइड भी कर दूं, OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या मिलता है? निधि तुम बताओगी? यूनिट वेक्टर, बहुत अच्छे, तुम लोग तो जानते हो, तेज विद्यार्थी हो गए हो, ये क्या है यूनिट वेक्टर। तो क्या अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा, इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक वेक्टर की तरह है, ये जेड मेरा एक वेक्टर की तरह था, तो जेड और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब कि हमने इस डायरेक्शन का क्या लिया है, यूनिट वेक्टर लिया है क्या? क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? बोलिए, ये जेड अपॉन, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है क्या? मुझे क्या करना था, जिस वेक्टर को रोटेट करना था मैंने देखे उसका यूनिट वेक्टर ले लिया, मैंने क्या ले लिया, उसका यूनिट वेक्टर ले लिया। कैसे? मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। जिस वेक्टर को मुझे रोटेट करना था मैंने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया इनटू क्या किया, जितने एंगल से मल्टीप्लाई करना था उतने ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, यानी ई टू द पावर आयोटा अल्फा से मैंने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे क्या करना था, रोटेट करना होता था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई टू द पावर आयोटा जितने एंगल से रोटेट करना होता था। इसमें क्या किया हमने, जब मुझे कह रहा है कि 3 मैग्नीट्यूड से 5 मैग्नीट्यूड चला गया, 10 मैग्नीट्यूड से 12 मैग्नीट्यूड चला गया, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज कर रहे हैं और कोई सर्टेन एंगल से रोटेट भी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इनिशियली जिस वेक्टर को रोटेट करना है मैं उसका यूनिट वेक्टर पहले ले लूंगा। बात आया समझ में? जिस वेक्टर को मुझे रोटेट करना है मैं उसका यूनिट वेक्टर ले लूंगा इनटू जितने फैक्टर से रोटेट करना है, यानी जितने एंगल से रोटेट करना है मैं ई टू द पावर आयोटा दैट एंगल ले लूंगा, ठीक है। और अब मुझे मैग्नीट्यूड भी चेंज करना है तो जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बताया समझ में? तो हमने क्या किया कि मुझे इस जेड को रोटेट करना था तो मैंने इसका क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया।
और फिर मैंने क्या किया, e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू रोटेट दिस जेड बाय द फैक्टर अल्फा, अल्फा या बाय द एंगल अल्फा, अल्फा एंगल से मैं रोटेट कर रहा हूं, तो e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसका मैग्नीट्यूड अब मैं मॉड जेड से मॉड जेड डैश कर रहा हूं, तो मैंने मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी रोटेशन है वो मैंने ओरिजिन के अबाउट किए हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में आपको ओरिजिन के अबाउट तो नहीं दिया जाएगा, तो मैं अब इन जनरल रोटेशन करने जा रहा हूँ, इन जनरल, ये दोनों समझाने के लिए था। अब मैं कहूंगा गाइस कि मेरे पास एक आर्गंड प्लेन है, ठीक है, जेड वन जेड टू मेरा एक लाइन था, मैं इस जेड वन के अबाउट, यानी कि यहां पर लेट से जेड वन और जेड टू एक लाइन है, जेड वन जेड टू लाइन है, और इसमें जेड वन पॉइंट के अबाउट, यानी कि ये मेरा एक लाइन है, और इस पॉइंट के अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर दे रहा हूँ, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूंगा तो मेरा ये जेड टू का जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा गाइज, ये यहां से कुछ यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि जेड थ्री हो गया मान लीजिए। तो मैंने क्या किया कि यहां से अल्फा एंगल के साथ मैंने इसको सर वॉइस लैग कर रहा है, वॉइस लैग कर रहा है क्या? लेट मी चेक द इंटरनेट कनेक्शन, सही आ रहा है, अब आएगा सही, yes, sir, अब आएगा सही, अब सही आएगा। ठीक है, तो मुझे, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, मुझे इनिशियली जेड वन और लेट से कि एक जेड टू पॉइंट या जेड वन जेड टू एक लाइन है, जेड वन से जेड टू मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब जेड वन को फिक्स करते हुए मैं इस लाइन को रोटेट कर दे रहा हूँ with an angle of alpha, और मुझे ये लाइन जेड थ्री मिल गया, यानी कि जेड टू का पोजिशन जो है जेड टू से रोटेट होके जेड थ्री पर चला गया। ठीक है, और आफ्टर तो मुझे इसकी वैल्यू लिखना है, इस वेक्टर के बारे में लिखना है कि क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, मैंने यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जेड वन जेड टू, यानी कि जेड टू माइनस जेड वन, आप वेक्टर में आपको याद है कि अगर आपको ये वेक्टर लिखना होता था ओ ओ से पी वेक्टर, तो आप ओपी वेक्टर लिखते हो ना, तो आप बोलते हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बोलोगे। ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पर मैं, तो यहां पर जेड टू फाइनल है माइनस इनिशियल, ऐसा हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जेड टू माइनस जेड वन से को अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, जेड थ्री माइनस जेड वन मिल रहा है। अब मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू जेड थ्री माइनस जेड वन की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया अभी कि आपको जो रोटेशन वाला वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर जो आफ्टर रोटेशन मिला है, उसकी वैल्यू लिखने के लिए, यानी कि जेड थ्री माइनस जेड वन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस वेक्टर को रोटेट करना है उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए, यानी कि मुझे इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा।
तो मैं इसका यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा गाइज, तो वेक्टर यानी कि जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई इसी वेक्टर का मॉड, यानी कि जेड टू माइनस जेड वन का मॉड, जेड टू माइनस जेड वन का मॉड, राइट। इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा, और देखिए मैं रोटेट कर रहा हूं तो इसके बाद जेड थ्री माइनस जेड वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी डोंट नो, तो मुझे इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन, ध्यान दीजिए यहां पर पिछले वाले से मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। मुझे क्या करना था, इस जेड वेक्टर को, जेड वेक्टर को रोटेट करना था, तो मैंने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया इंटू जितने एंगल से मल्टीप्लाई, जितने एंगल से रोटेट करना था ई टू द पावर आयोटा उतना एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी मुझे लिखना था, तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड डैश के बराबर होगा, तो मॉड ऑफ जेड डैश से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इन द सेम वे यहाँ पर जेड वन जेड टू को, जेड वन से जेड टू लाइन को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है, सो मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगा। इसका यूनिट वेक्टर लिखने के बाद मैंने अल्फा एंगल के साथ इसको रोटेट किया, तो ई टू द पावर आयोटा अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और आफ्टर रोटेशन मुझे जो मैग्नीट्यूड मिला वो जेड थ्री माइनस जेड वन के मॉड के बराबर मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात सभी को समझ में आया, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी बेटर क्लियर। कौन कौन है बताओ भाई, आद्या, आनंद, दिव्या, शिवम, सिद्धांत, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक, पहले एप्लीकेशन करते हैं तब क्वेश्चन करेंगे, मुझे एक इनिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ था, और फिर मैंने आफ्टर रोटेशन इसको मुझे मैंने जेड डैश ऑब्टेन किया, तो जेड और जेड डैश में क्या डिफरेंस है ये मुझे समझना चाहिए। ये आयोटा को मैं जानता हूं कि आयोटा को मैं कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू लिख सकता हूं, कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू पाई जीरो होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ऐसा लिख सकता हूं। यानी कि मुझे अगर जेड से आयोटा जेड चाहिए, आयोटा जेड क्या था, ये जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू है, क्योंकि आयोटा को मैं आयोटा ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू लिख सकता हूं, तो ये इतना लिख सकता हूं। इसका मतलब हुआ कि अगर जेड को मैं पाई बाई टू एंगल के साथ रोटेट कर दूंगा, जेड को मैं पाई बाई टू एंगल के साथ रोटेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयोटा जेड मिल जाएगा, राइट। सो देखिए यहां पे क्या होगा, मैंने क्या किया कि एक आर्गंड प्लेन लिया, इस आर्गंड प्लेन में कहीं पर मैंने जेड ले लिया, कहीं पर मैंने जेड ले लिया, तो आयोटा जो जेड होगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। अब मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड भी जितना था उतना ही ले लिया, यानी कि ये मुझे जेड मिला, ये जेड मिला, वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में दिखा दो, ये पाई बाई टू एंगल से मैं रोटेट कर दूंगा इसको, तो ये मुझे आयोटा जेड मिलेगा, ठीक है। और यही रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, यही रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, यानी इधर लेकर आते और ये भी एंगल पाई बाई टू ही मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगा ये माइनस आयोटा इंटू जेड होगा, यानी कि रोटेशन जब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में होगा ना, तो आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये बात सभी को समझ में आया, इट क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे सभी लोग जेड और ओमेगा जेड में रिलेशन बताओगे, एवरीवन ड्रॉ द फिगर ऑफ जेड एंड ओमेगा जेड।
जेड और ओमेगा जेड का फिगर बनाइए सभी लोग। मैं ये अनम्यूट करके पूछ सकता हूं इसमें क्या क्या रिलेशन होगा, ऐसे ओरली बता दोगे? आद्या तुम बताओगे बेटा, ओमेगा क्या है? नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आद्या बेटा आप बताओ, अनम्यूट नहीं कर पा रही हो। आनंद तुम बताओगे? आनंद नो सर। दिव्या तुम बताओगे? दिव्या सो गई चुड़ैल। निधि तुम बताओगे? सर ये क्वेश्चन क्या एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं चाहता हूं कि जेड और ओमेगा जेड में रिलेशन आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। सर ओमेगा को ई टू डी पावर 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। और सर फिर वहां पे कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई 2 पाई बाय 3 से इसका वैल्यू फाइंड करके और जेड मुझे जब मिल गया कि देखो ओमेगा जेड ओमेगा जो होता है ओमेगा जो होगा उसको मैं ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूं। अब ये मैंने बहुत बार लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो जेड इंटू ये ओमेगा जेड को मैं लिख सकता हूं जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। कितना लिख सकता हूं? 2 पाई बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आर्गन प्लेन में चाहता हूं कि मेरा कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो, लेट से मुझे कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, तो ओमेगा जो जेड होगा, ओमेगा जेड ये क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जेड के साथ 120 डिग्री के एंगल पर होगा। यानी कि इस जेड को मैं यानी ओरिजिन के साथ मिलाते हुए इस वेक्टर को 2 पाई बाई 3 एंगल के साथ रोटेट कर दूंगा, 2 पाई बाई 3 एंगल के साथ रोटेट कर दूंगा तो मुझे ओमेगा जेड मिलेगा। यानी पूछा जाए जेड और ओमेगा जेड में क्या रिलेशन है, तो जेड और ओमेगा जेड में 120 डिग्री का एंगल के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये और वी कैन से कि इफ वी रोटेट जेड बाई एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3 देन वी कैन ऑब्टेन द पॉइंट ओमेगा इंटू जेड। ठीक है, उसी तरह मुझे माइनस ओमेगा जेड चाहिए होगा तो मैं जेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 एंगल के साथ रोटेट करूंगा तो मुझे ओमेगा जेड मिल जाएगा। राइट, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या रेड कलर से दे देता हूं, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहां से यहां का जो एंगल बनेगा वो भी 2 पाई बाई 3 है, वो भी क्या है 2 पाई बाई 3 है, लेकिन ये रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो माइनस ओमेगा जेड हो जाएगा। बात आया समझ में क्या सभी को? आगे बढ़े। अब देखिए ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब मैं देखिए जो क्वेश्चन आता है जो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इधर भी पूछे गए हैं, लगातार ईयर में पूछे गए हैं, मैं वो आपके सामने लेता हूं। लेट से दिया गया आपको क्वेश्चन में कि इफ जेड आयोटा जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड
जेड प्लस आयोटा जे आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड इट्स एरिया फाइंड इट्स एरिया इसका एरिया आपको पता करना है। तो देखिए मैं बड़ा सिंपल सा बात कहता हूं कि भाई कहीं पर तो मेरा जेड होगा, आर्गन प्लेन में कहीं पर तो मेरा जेड होगा। मैंने क्या किया कि वो जेड ले लिया, तो मैंने मान लिया कि यहां पर मेरा कोई जेड दिया हुआ है। देखिए फिगर बिल्कुल वेक्टर की तरह बनाएंगे इसमें हम लोग, फिगर क्या बनाएंगे बिल्कुल वेक्टर की तरह बनाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास जेड है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जेड है तो इसके 90 डिग्री एंगल पर मुझे आयोटा जेड मिलेगा। सबसे पहला एप्लीकेशन तो मैंने यही देखा, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये वाई साहब अगर जेड हो गए तो ये आयोटा जेड होगा। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इस फिगर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला मेरा यहां से यहां यानी ओरिजिन से मैं इधर कर देता हूं इस तरह से मैंने क्या कर दिया। अब मुझे ये ट्रायंगल बनना अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मैं चाहता हूं तो अगर मुझे किसी भी तरह से ट्रायंगल बनना है तो ये दोनों होंगे तो तीसरे साइड को ज्वाइन करने से ही मुझे तीसरा मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए मैं एक बार फिगर बना देता हूं। मैं जानता हूं किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर 90 डिग्री ये यहां इस लाइन से बना रहा है तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, तो दूसरे कलर से बना देता हूं। देखिए पैरेलली शिफ्ट करूंगा मैं इसको इसके साथ, ठीक है पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये वाला जो होगा ये भी मेरा जेड मॉड जेड के बराबर वाला लेंथ हो जाएगा, ये मॉड जेड के बराबर वाला लेंथ, क्योंकि यहां से यहां का लेंथ क्या होगा मॉड जेड के बराबर, यहां से इसका लेंथ कितना होता आयोटा इंटू मॉड जेड के बराबर। सो ये वाला मुझे, ये देखिए वेक्टर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, सो ये वाला मुझे जेड प्लस मॉड जेड वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला मुझे जो ट्रायंगल मिलेगा, सो ये वाला ट्रायंगल मुझे फाइनली मिल जाएगा। कौन सा, देखिए रेड कलर से मैं इसको आगे से ज्वाइन कर देता हूं, बात आया सभी को समझ में। सो ये मुझे ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला जहां पर ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और वी कैन डायरेक्टली, या तो मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको ये ट्रायंगल बना के दिखा सकता था कि यही आपको ट्रायंगल मिलना है। ट्रायंगल किसी भी मतलब ओरिएंटेशन कुछ भी हो, दोनों की ज्योमेट्री एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोई भी एक ट्रायंगल लिया हमने, लेट से यहां पर एक ट्रायंगल बनाया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा तो रोटेशन से एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया के लिए मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ उसके एंगल पर इंटरेस्टेड होगा कि कौन सा। सर वो जो पैरेलल शिफ्टिंग से बना है उसमें ये वाला साइड जेड प्लस आयोटा जेड है, इसका क्या गारंटी? क्यों नहीं गारंटी होगा भाई, वेक्टर अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है तो द वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग द फर्स्ट टू द लास्ट वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाला मैंने साइड मेरा यहां से शुरू होके पहले यहां गया तो यहां पे देख रहो एरो के फॉर्म में है, फिर ये एरो इधर से इधर गया, सो ये एरो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो गया तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जो होगा वो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ही देगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये सर समझ गए। तो सर वो जो ग्रीन वाले से बना है उसमें तो वो जेड प्लस आयोटा जेड नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वेक्टर नहीं है। हाँ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, तो अभी हमने बोला ना कि मुझे एरिया के लिए तो एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए कि मतलब ओरिएंटेशन तो हमें नहीं चाहिए ना, एरिया के लिए ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है, एरिया के लिए मुझे कौन सा साइड कितने एंगल पर एक दूसरे के साथ है सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है। बात आया समझ में क्या, कि अगर मैंने देखिए yes, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, यहां पे मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल लिया,
ऑब्वियसली मैं साइड वगैरह का लेंथ नहीं चेंज करूंगा, और फिर इस ट्रायंगल का ओरिएंटेशन मैं ऐसे कर दे रहा हूं। अभी भी मैंने साइड लेंथ वही किया और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्या मुझे एरिया पर फर्क पड़ेगा? लेट से मैंने यहां पर इसको ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, यहां पर भी मैंने इसको ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा एरिया पर? एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं एग्जैक्ट इंटरपोलेटेशन पर वर्क नहीं करता हूं, बस उतना ही मैं इंटरप्रिट करूंगा कि मुझे क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको दो साइड के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया कि ये भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर से डायरेक्टली इसका एरिया निकाल सकता हूं। मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मुझे हाफ बेस, बेस क्या होगा गाइस, मॉड जेड इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में ये वाला मिला है, इसका मॉड कितना होगा, आयोटा जेड का मॉड होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मॉड ऑफ आयोटा इंटू जेड, मॉड ऑफ आयोटा जेड क्या होगा गाइस, वो मॉड ऑफ आयोटा, मैंने बोला था मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का जो होल मॉड होगा, मॉड ऑफ जेड वन यानी मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ जेड होगा, मॉड ऑफ आयोटा तो वन हो गया, यानी कि ये भी मॉड जेड के बराबर आ गया। सो दिस इज अगेन हाफ ऑफ मॉड जेड इंटू ये भी मॉड जेड, तो ये हाफ ऑफ मॉड जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। बात आया समझ में क्या सभी को? बात आया समझ में क्या सभी को? आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, इफ क्या बोलते हैं, लेट जेड कॉमा ओमेगा जेड एंड जेड प्लस ओमेगा जेड, ओमेगा जेड आर द वर्टिसेस ऑफ a triangle of a triangle, find its area, इसका area find out कीजिए। सभी लोग try करो पहले खुद से, find its area, इसका area find out कीजिए। हो गया राइट? यस और नो? अगेन देखिए, मैं चाहता हूं कि मुझे जेड कहीं मिले, तो मैंने जेड को यहां पर ले लिया लेट्स, ठीक है। अब मुझे ओमेगा जेड इस जेड के 120 डिग्री एंगल के बाद मिलेगा, तो मैंने बोल दिया कि गाइज मेरा ये यहां पर मिलेगा, तो ये मुझे जेड मिला और ये मुझे ओमेगा इंटू जेड मिलेगा, क्योंकि जेड और ओमेगा जेड में 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये इसका एरो इधर होगा, डायरेक्शन इस साइड, और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक है, ये एंगल एक दूसरे से, ये 2π/3 का एंगल है, 2π/3। अब देखिये, मैं एरिया निकालना होगा ना, तो मैं डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको इंटरपोलेशन भी बताऊं। सो ये मेरा मॉड जेड हुआ, ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा। सो देखिए, और ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, तो मेरा ये वाला ये ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये जितने डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ बनाया हुआ है,
उतने ही डिग्री का एंगल इधर, ये तो पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन, पैरेलल दिखना चाहिए। अब दिख रहा है पैरेलल, ठीक है। तो ये जितने डिग्री का एंगल इसके साथ बनाया हुआ है उतने डिग्री का एंगल ये इसके साथ भी बनाएगा, 2π/3। बात आया समझ में क्या? 2π/3 होगा कि ये π/3 होगा, क्योंकि ये 2π/3 इधर के साथ मैंने लिया हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये हो जाता, 2π/3 ये हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये π/3 होगा। यानी कि ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये वाला मिलेगा। देखिए मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एरिया था, एरिया तो आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे, एरिया पर कोई दिक्कत नहीं था। तो ये कैसे मतलब वो एक्सिस को टच ही करेगा, मतलब वो कैसे बोल सकते हैं? कौन तो सर जब लेंथ पर, लेंथ पर किए ना, यस सर, लेंथ पर, इसके इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, लेकिन मेरा शायद अनुमान है कि ये यहीं पर आएगा, क्योंकि जितना मॉड इसका होगा उतना भी मैग्नीट्यूड इसका भी है, तो दोनों इक्वल दिखेगा। यानी कि ये अगर इसको टच कर रहा है तो ये भी इसी को टच कर रहा होगा। तो देखो देखो, हाँ आइसोसेलस तो होगा, इसके पहले वाला भी आइसोसेलस था, और साथ ही साथ तो ये मॉड जेड हुआ और ये ओमेगा इंटू मॉड जेड, ये इसकी भी मैग्नीट्यूड, क्यों ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 होता है आपको याद होगा, तो ये भी मॉड जेड ही होगा। सो इसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि एक्सिस पर ही टच करेगा, बताया समझ में? अब देखो ये मॉड जेड है और ये मॉड, अब से बताओ तो दो, अगर इसका एरिया बता सकते हो, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये साइड ए है ये साइड बी है, और इन दोनों साइड को मिलाने वाले साइड्स के बीच का एंगल थीटा हो, तो इसका एरिया कितना होता है? बोल निधि, ये नहीं याद है, ये हाफ ए बी साइन थीटा होता है, क्लास टेंथ में पढ़ना है ये सब, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। बी साइन, ये ए तो पता हो गया, बी साइन थीटा कैसे होता है, तो ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है, ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी बी कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा हो जाएगा। करते हो ना भाई, एक वेक्टर लेते हो, एक वेक्टर आपको ऐसा मिल रहा होता है, तो और मान लो ये आर वेक्टर है और इसने थीटा एंगल बनाया है, तो आप बोलते हो कि इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, सो ये वाला जो इतना मिलेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एंड दिस इज आर कॉस थीटा होता है, और ये आप बोलते हो कि ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है और ये आर साइन थीटा होता है, बोलते हो ना, कह दो कि नहीं बोलते हो, ये वेक्टर में आप पढ़े हुए हो गए। तो ये यहाँ पे हमने ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था इस बी का, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए आपने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट, बी का वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर देगा आपको, तो बी साइन थीटा, देखो देखो हमने प्रूफ भी कर दिया इसको, पता है समझ में, तो ये ए बी साइन थीटा मिल गया, तो यहाँ से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे डायरेक्टली मिल जाना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मैं बोलूंगा कि हाफ ए, ए क्या है, एक साइड, इस साइड को ले लेते हैं मॉड ऑफ ओमेगा जेड इंटू बी, बी इज दिस वन मॉड ऑफ जेड इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ पाई बाई थ्री, ये वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, हाफ ये तो मॉड जेड हो गया, ये भी मॉड जेड हो गया और ये रूट थ्री बाई टू हो गया, तो ये आपको फाइनली मिल गया रूट थ्री बाई फोर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, बात आया समझ में? आगे बढ़े क्या हम लोग, आनंद बताइए आया समझ में, तीन ही लोग हो, निधि और सिद्धांत और आद्या, बता दो भाई आया समझ में ये,
यस सर। आगे बढ़ते हैं तब। चलिए एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेट जेड वन, जेड टू, जेड थ्री बी द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी द वर्टिसेस with the vertices of an equilateral triangle then prove that क्या प्रूफ करना होगा? मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, सॉरी जेड वन स्क्वायर, जेड टू स्क्वायर, जेड थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन। उस दिन निधि एक आपने क्वेश्चन भेजा था ना, वर्टिसेस ऐसा ही कुछ ये प्रूफ करना था और उसमें लिखा था एक ओरिजिन था, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है। तुम ही हो सिर्फ, पढ़ो अकेले ही, ये होम ट्यूशन हो गया नहीं। देखो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपने बोल दिया जेड वन जेड टू जेड थ्री। ये आप ऐसे कर सकते हो कि ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसको आप इधर कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में हमने दिखा दिया ठीक है। आप जानते हो जितने भी साइड्स हैं यहाँ पे एंगल, उनके बीच का एंगल पाई बाई टू थ्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, ये भी पाई बाई थ्री होगा ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सभी का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, यानी कि सभी साइड लेंथ, यानी कि मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, इसका जो मॉड होगा वो सेम होगा मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री के, इसका मॉड इक्वल होगा मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन के। इसमें तो कोई डाउट नहीं है निधि, यहां तक अभी तक कोई डाउट? नो सर। अब देख मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इस रिलेशन को शो करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो एंगल है, मान लो कि ये जो जेड वन और जेड टू, ये वाला जो मुझे साइड मिला हुआ है, ये वाला साइड, वो इस जेड टू और जेड थ्री को रोटेट करने पर मिलेगा क्या? ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग रोटेशन अबाउट जेड टू, टेकिंग रोटेशन, ये लिखना नहीं चाहिए, लिख दे रहा हूं फिर भी, रोटेशन अबाउट जेड टू, जेड टू के अबाउट मैं रोटेशन लेना चाहता हूं, तो मैं किस साइड को रोटेट करूंगा? मैं जेड टू के अबाउट रोटेशन करूंगा तो जेड थ्री को पाई बाई थ्री एंगल के साथ रोटेट करूंगा, तो जेड वन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हो जाएगा। yes, तो मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए कौन सा, ये वाला जेड वन माइनस जेड टू वाला, तो मैंने बोला था जिसके अबाउट रोटेशन करते ना वो सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, बोलूंगा कि जेड फाइनल माइनस इनिशियल ये है जेड वन माइनस जेड टू, मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले मैं किस वेक्टर को रोटेट करना चाहता हूँ, जेड टू और जेड थ्री वाले को, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर लूंगा, कैसे लूंगा, तो जेड थ्री माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड ले ले रहा हूँ, जेड थ्री माइनस जेड टू का मॉड e टू दी पावर आयोटा, कितने एंगल से, पाई बाई थ्री एंगल से, तो e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर आयोटा पाई बाई थ्री, और यहां पर जिसको मैंने रोटेट किया है, यानी जो रोटेशन के बाद मिला है उसका मैग्नीट्यूड, रोटेशन के बाद मुझे जेड वन माइनस जेड टू मिला है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, यही ना हमने करते आए थे कि मुझे जिस वेक्टर को रोटेट करना था उसका यूनिट वेक्टर, जितने एंगल से मल्टीप्लाई करना था उतने एंगल का ई टू द पावर आयोटा,
दैट एंगल और आफ्टर रोटेशन जो हमने साइड ऑब्टेन किया उसका लेंथ, तो उसका लेंथ ले लिया। अब मैंने देखा कि ये तीनों लेंथ तो बराबर है, यानी कि ये मॉडुलस और ये मॉडुलस कट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जेड थ्री माइनस जेड वन का जो मैग्नीट्यूड है, जेड थ्री माइनस जेड टू ये वाला जो है वो इसके बराबर है, दोनों इक्वल होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको मिलेगा जेड वन माइनस जेड टू और इस साइड आपने मिल गया जेड थ्री माइनस जेड टू। क्या मिल गया मुझे? जेड थ्री माइनस जेड टू इंटू ई टू द पावर, यानी कि आपको मिल जाएगा कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मुझे मिल गया जेड थ्री माइनस जेड टू ना, ये मुझे मिल जाएगा जेड थ्री माइनस जेड टू। ये कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। 2 LCM हो गया, तो इस 2 को इस साइड लेके आ जाऊंगा मैं। ये जेड वन माइनस जेड टू है, 2 का साइड चेंज कर लेता हूं, तो ये मुझे 2 टाइम्स ऑफ जेड वन माइनस जेड टू और इस साइड मुझे मिल जाएगा जेड थ्री माइनस जेड टू, ये 1 प्लस आयोटा रूट 3। 1 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 1 टाइम्स ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू हो जाएगा और प्लस आयोटा रूट 3 टाइम्स ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, ये मुझे 2 टाइम्स ऑफ जेड वन माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड टू मिलेगा। ठीक है, इस साइड मुझे थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये इस साइड 2 टाइम्स ऑफ जेड वन माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड टू, इस साइड से आएगा माइनस जेड थ्री माइनस माइनस प्लस जेड टू और ये मुझे आयोटा टाइम्स रूट अंडर 3 जेड थ्री माइनस जेड टू मिला। यहां पर देखो ये 2 टाइम्स ऑफ जेड वन तो है ही, यहां पे माइनस जेड टू हो जाएगा, माइनस जेड थ्री हो जाएगा एंड दिस इज आयोटा रूट 3 टाइम्स ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर यानी कि 4Z1 स्क्वायर, बी स्क्वायर Z2 स्क्वायर, सी स्क्वायर Z3 स्क्वायर, प्लस 2AB, तो माइनस 2×2=4 Z1 Z2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 और माइनस 2×2=4 Z3 Z1 और इधर मुझे ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर लेता हूं मैं, इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 6 Z3 Z2। ठीक है, 6 Z3 Z2, ये Z2 Z3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है मैं उसको एक साइड लेके आ रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा सा मुझे यहां पे लिखना पड़ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4 टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक है, इधर आपको मिलेगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ जेड वन जेड टू
माइनस फोर टाइम्स ऑफ जेड वन जेड टू, माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, टू टाइम्स ऑफ जेड टू जेड थ्री, टू टाइम्स ऑफ जेड टू जेड थ्री, माइनस फोर टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा जेड थ्री जेड वन, और इधर मुझे मिलेगा राइट हैंड साइड में माइनस थ्री, ऊपर कीजिए ना सर, यहाँ पे माइनस सिक्स जेड थ्री जेड टू थोड़ी होगा, माइनस टू जेड थ्री जेड थ्री, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके सोच रहे थे मल्टीप्लिकेशन होगा और लिख भी दिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस थ्री जेड थ्री स्क्वायर जेड टू स्क्वायर और माइनस 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 प्लस सिक्स जेड टू जेड थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस जेड टू स्क्वायर माइनस थ्री थ्री जेड थ्री स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्स जेड टू जेड थ्री। ठीक है, अब देखो जितना जेड वन जेड टू वाला टर्म इस साइड आ जाए और ये इस साइड आ जाए, मैं बोलूंगा कि मुझे ये फोर टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस थ्री इस साइड आएगा तो माइनस माइनस प्लस फोर टाइम्स ऑफ जेड टू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर टाइम्स ऑफ जेड थ्री स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड आ जाए तो माइनस वाला टर्म फोर जेड वन जेड टू हो जाएगा। जेड टू जेड थ्री वाले में देखो टू इधर है और सिक्स इधर है, दो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो चार इधर भी बच जाएगा, फोर जेड टू जेड थ्री प्लस फोर जेड थ्री जेड वन। प्रूफ हो गया क्या, चार दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा तो जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन। ठीक है, यही आपका प्रूफ था। अब देखो ये प्रूफ काफी लंबा चला गया, मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकता था और करूंगा भी अभी, तो उसको सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको सेकेंड मेथड में देखते हैं। मेरा प्रूफ एक रोटेशन पे तो डन हो गया, प्रूफ जो है मेरा एक रोटेशन पे डन हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इधर यहां पे मैं बोल लूंगा यहां पे देखिए, आपने लिखा कि आपने एक रोटेशन ये वाला कर लिया, मैं चाहता तो ये ऐसे भी जेड थ्री के अबाउट भी रोटेशन कर सकता था। देखिए तो यस सर, ऐसे भी कर, देखिए इसका एरो कुछ आगे जा रहा है क्या, एरो कुछ इधर जा रहा है क्या? देखो मैं क्या करूंगा, मुझे एक डायरेक्शन मुझे ऐसा दिया हुआ है और एक डायरेक्शन मुझे ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरे डायरेक्शन में चेंजिंग नजर आ रहा है। मुझे चाहिए था ऊपर वाला डायरेक्शन, लेकिन मुझे आफ्टर रोटेशन ये नीचे वाला डायरेक्शन मिलेगा। सो मैं क्या कर लूंगा, मैं अपना इस ये ऐसे पहले कर लूंगा, पहले इसको क्या कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, क्लॉकवाइज रोटेशन तो करूंगा, लेकिन इस एरो को मुझे इधर पहले करना पड़ेगा। ठीक है, एरो इधर करने के लिए मैं माइनस साइन का सिर्फ अंतर कर दूंगा क्या, मतलब फाइनल मैंने इसको मान लेना है जेड थ्री को, बात आया समझ में? यस सर। तो देखिए मैं दूसरा रोटेशन लेना चाहता हूं, देखिए तो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, तो एक रोटेशन मैं क्लॉकवाइज में लेना चाहता हूं, एक रोटेशन क्लॉकवाइज में लूंगा तो मैं बोलूंगा अब कि मेरा ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये मैं बोलूंगा कि फाइनल अब मेरे पास जेड टू हो गया था ना, तो मैं बोलूंगा कि जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड टू माइनस जेड थ्री, देखिए
इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ जेड टू माइनस जेड थ्री वाले को, तो मुझे अच्छा रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला जेड वन माइनस जेड थ्री मिलेगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जेड वन माइनस जेड थ्री निकालना है, राइट। मुझे क्या निकालना है, जेड वन माइनस जेड थ्री ये निकालना है। तो जिसको निकालना होता था उसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे, यानी जेड वन माइनस जेड थ्री का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसको रोटेट कर रहे हैं, किसको रोटेट कर रहे थे हम, जेड टू और जेड थ्री वाले को, जिसमें जेड टू जो था वो फाइनल था, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, फाइनल, यानी जेड टू माइनस जेड थ्री, और इसी का मैग्नीट्यूड ले लिया मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड थ्री। और मैंने देखा कि यहाँ पे रोटेशन मुझे क्लॉकवाइज में करना पड़ रहा है, सो ये ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा पाई बाई थ्री कर लें, जहां पे प्लस पाई बाई थ्री होना चाहिए तो माइनस पाई बाई थ्री हो गया, ऐसा हो गया। अब मैं इस वाले को, इसको इक्वेशन नंबर वन मानता हूं और इसके इसको टू मान लेता हूं, इसको टू मानता हूं और इसको वन मान लेता हूं, इसको वन मान लेता हूं, किसको, इसको, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखूंगा कि यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो है कैंसिल हो रहा होगा, मॉड वाला तो क्वांटिटी कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि हर साइड का मॉड इक्वल है। मैं बोल सकता हूं कि z1 माइनस z3 इक्वल्स टू z2 माइनस z3 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई थ्री। और इसके पहले मुझे मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था वो भी देख लेते हैं, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z3 माइनस z2, क्या मिला था, z1 माइनस z2 जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू जेड थ्री माइनस जेड टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई थ्री, यही मिला था ना। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्लस पाई बाई थ्री और माइनस पाई बाई थ्री वाला पार्ट कैंसिल होगा क्या, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये ई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, बात आया समझ में? Yes, sir. तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जेड वन माइनस जेड थ्री और z1 वन माइनस जेड टू इनका मल्टीप्लीकेशन LHS में कर लो, तो z1 वन माइनस जेड थ्री इंटू ये वाला क्या है z1 वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू, और इस साइड मुझे मिल गया था z3 थ्री माइनस जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड टू माइनस जेड थ्री, और इधर मुझे मिल गया है जेड टू जेड थ्री माइनस जेड टू, जेड थ्री माइनस जेड टू, राइट। देखो मल्टीप्लीकेशन इधर करूंगा, इधर करूंगा तो मॉड जेड वन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जेड वन जेड टू, यहाँ पे माइनस जेड थ्री जेड वन, और प्लस जेड थ्री जेड टू, इस साइड क्या मिलेगा, जेड थ्री जेड टू, यानी जेड टू जेड थ्री, जेड टू जेड थ्री, फिर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस प्लस की माइनस जेड थ्री का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर जेड टू जेड थ्री, ऐसा मिल रहा है। ये एक टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाला इस साइड आएगा, कहीं साइन का लोचा हो गया क्या, माइनस जेड टू स्क्वायर मिलेगा ना, ये देखिए माइनस जेड टू स्क्वायर मिलना चाहिए, यस सर, यस प्लस, सही है, मिलेगा ना निधि, यस सर, यहाँ पे माइनस मिलता, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। तो ये जितने भी माइनस वाले टर्म में इस साइड ले आओ, तो जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर, और इस साइड जितने भी ये प्रोडक्ट वाले टर्म है, जेड वन जेड टू इस साइड लेके आओ, तो जेड वन जेड टू, ये जेड टू जेड थ्री पहले से इधर अवेलेबल है, एक
और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा जेड थ्री जेड वन, यही प्रूफ करना था ना? यस सर। वॉइस फिर से लैग कर रहा है। तुम आज पिछले देता हूँ सर, आवाज लैग कर रहा है, क्लियर नहीं समझ जा रहा है। No, वेदर बहुत खराब है तो नेट नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे थे? अब आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमको प्रैक्टिस के लिए रोटेशन वाले क्वेश्चन दे देता हूँ, सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है? रोटेशन वाले, वो जो लास्ट क्लास में बोल रही थी ना कि सर ये चीज पूछना है, वो रोटेशन पे ही होगा। हाँ बोलो सर, एक मिनट जरा ऊपर कीजिए ना स्लाइड। और सर वो फिगर वाला। अच्छा फिगर वाला, हाँ बोलो सर। यहाँ पे मतलब हम लोग रोटेट सेकंड अप्रोच में कितने किए, जेड थ्री के लॉन्ग किए तो जेड टू से जेड वन की तरफ किए हैं। हाँ देखो यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि मैं अगर इसको रोटेट करता, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रोटेट करता तो मैंने जो ओरिजिनल फिगर बनाया हुआ है उसमें एरो मैंने पहले डिसाइड किया हुआ है, एरो ऊपर की तरह था, लेकिन यहाँ पे अगर रोटेट करके लाओगे तो ये वाला फिगर का ऐसे मिल जाता डायरेक्शन, ध्यान दो, डायरेक्शन ऐसे मिल जाता ना। यस सर। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर ये डायरेक्शन अभी अभी जो पहले मैंने इस रोटेशन को डन करने के लिए, पहले रोटेशन को डन करने के लिए मैंने एरो ऐसे दे दिया था, यानी कि फाइनल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट ये था, जेड टू था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इस क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मेरा जो एरो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि इधर लेफ्टवर्ड की तरफ होना चाहिए था, जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया है, यानी इस केस में फाइनल जेड टू हो जाएगा और इनिशियल जेड थ्री हो जाएगा। तो और ऐसा करते क्यों है, क्योंकि मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, बताया समझ में? सर आप वहां पे एरो इसलिए दिए थे पहले ऐसे कि जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड थ्री जो है जेड वन जेड टू के इक्वल हो जाए ट्रायंगल ला सर। हमें क्या हाँ पहला मुझे रोटेशन करने के लिए मुझे एरो डिसाइड करना पड़ा, ठीक है? एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि अगर फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा तो तुम क्या कर दोगी, तुम जो भी क्वांटिटी आओगे साइन का लोचा आ जाएगा उसमें, बताया समझ में? तो साइन के लोचे से बचने के लिए आपको डायरेक्शन पे वर्क यानी वेक्टर के फॉर्म में वर्क करना पड़ेगा, और ये काम हम लोग वेक्टर में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा तरीका अपना लेते तो वेक्टर से बच जाते हैं, फाइनली मुझे कहीं ना कहीं वेक्टर तो जाके पढ़ना ही पढ़ना है, सो क्यों ना यहीं से ट्राई कर लिया जाए, ठीक है? उसे वेक्टर से तो बचा नहीं जा सकता है, इट इज 100% क्लियर कि वेक्टर से आप बच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेक्टर का यूज समझिए कि मैं एरो से ये डिसाइड जरूर कर लूंगा कि मेरा फाइनल माइनस इनिशियल कौन सा है, फाइनल कौन होगा, इनिशियल कौन होगा, क्लियर है? यस सर। एक बार नीचे कीजिए ना स्लाइड। और आगे सर, यस सर ये वाला सर, यहाँ पे तो सेकंड इक्वेशन जेड वन माइनस जेड टू ले लिया इसलिए साइन चेंज हो गया है। जेड वन माइनस ये वाला तो पहला वाला ही था जैसा वो वाला है, यहाँ पे देखो पहला वाला, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया हमने, ये है, ये पहला वाला है, ये से समझिए, ठीक है? इसके साथ ये ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे प्लस साइन था, एक मुझे फैक्टर e टू द पावर आयोटा पाई बाई थ्री मिल गया और दूसरा फैक्टर e टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई थ्री। अब दोनों पावर एड होके जीरो हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा कि मैं आयोटा हो जाऊंगा तो इतना कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएगा। देखिए दो लाइन में आंसर आया और ऐसे पूरे एक पेज में चलेगा, ठीक है? सर वो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन बताए थे सर, उसमें एक छोटा सा डाउट है, सबसे पहला वाला में। यस अच्छा हाँ, तुम आई थिंक इसमें डायरेक्शन में तुमको दिक्कत होगा कि इधर ही क्यों आया, यही ना? हाँ कि इधर क्यों किया, उधर भी तो कर सकते, उधर भी कर सकते। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जब मैंने आपको ये बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू, तो बताया था कि जो
जेड टू होगा वो इधर होगा और जेड वन इधर होगा। मैं जेड वन को जब भी लेता था तो देखो जेड वन यहाँ, जेड मैं यहाँ तो यहाँ ले सकता था या जेड यहाँ ले सकता था। यहाँ पर लेने का मतलब कि जो फाइनल वाला दूसरा जो जेड लिया था इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना और जेड एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना। तो मैंने यहाँ पे जो जेड लिया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के लिया था, तो उसी तरह मुझे जो भी पॉइंट्स मिलेगा जेड और जेड, ठीक है, जेड और जेड टू, मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी एंगल जो भी चाहिएगा फाइनल से मैं कहाँ जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। फाइनल से मैं, अगर मुझे इधर जाना होता तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव दिया रहता तो फाइनल वाले से मैं क्लॉकवाइज में इधर जाता, ठीक है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करूंगा। और ये पॉसिबल भी होगा, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है तो ये माइनर एक्सिस ही होगा, माइनर माइनर क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा या माइनर ये सेक्टर बोल सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे आप, ठीक है। यस सर। तो आई थिंक तुम लेट से ज्वाइन की थी इसीलिए नहीं समझ पाई, ठीक है, और बाकी ज्योमेट्री तो इसका क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं नेक्स्ट क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तुमको अलग से अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, और उस दिन जो क्वेश्चन पूछी थी ना वो सब इसी पर बनेगा, इसी पर बनेगा, ठीक है, ये रोटेशन वाले पर। सर सारा टॉपिक खत्म हो गया है बेटा, एक टॉपिक बचा हुआ है लाइन का स्लोप, पढ़ तो हमने लिया है लाइन के बारे में, स्लोप के कभी कभी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है फंस सकता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। और इनवर्स अब नहीं पढ़ना है, अब इनवर्स जेई के भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जब से जेई, ये पहले आईआईटी जेई होता था और फिर जेई एडवांस होता था, वहां पे ये सब चेंज हुआ है, अब इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्कल नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने लीव किया हुआ है, देखते हैं अगर कुछ चेंजेस होगा तो अभी हम लोग हो सकता है प्रैक्टिस सेशन में फिर आपसे मिले, जब जेई का प्रैक्टिस करोगे आप ना नवंबर दिसंबर में तो उस समय भी हम मिलेंगे, तो उस समय रिकॉल करा देंगे फिर, ठीक है। हालांकि सर्कल वगैरह का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, आधा घंटा फिर भी लेगा वो, आधा घंटा फिर भी लेगा, क्योंकि मुझे इनवर्स पॉइंट से कोरिलेट करना पड़ेगा एंड देन उसको कॉम्प्लेक्स में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, बाय बाय।